आपके सेक्स लाइफ की तुलना पॉर्न से मत कीजिए। इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पॉर्न वीडियोज में जो देखते हैं वो बहुत ही अग्रेसिव सेक्स रहता है। एक तो क्या है, वो एक्टर रहते हैं, उनका लिंग बहुत लंबा रहता है नॉर्मल से ज़्यादा। फिर वो दवाइयाँ लेते हैं कि जिससे उनको इरेक्शन आएगा, दवाई ऐसी भी लेते हैं कि जिससे उनका इजैकुलेशन नहीं होगा, समय लेगा इजैकुलेशन के लिए। तो ये सब तैयार करके सेक्स होता है और उसमें बहुत वायलेंट सेक्स होता है। वायलेंट मतलब चिल्लाना, चीखना, है ना, इस तरह का कि तकलीफ होती हुई ऐसा लगता है कि वो जो स्त्री है उसको बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब इस तरह का सेक्स है। ऐसा बताया जाता है कि भाई एक वो सेक्स है और वो लोगों को आइडियल लगता है कि भाई ये सेक्स ऐसा होना चाहिए। एक्चुअल लाइफ में सेक्स ऐसा नहीं होते रहता है। लाइफ का जो सेक्स है वो है काम, क्वाइट, नॉर्मल, कूल, गो स्लो वाला सेक्स है। तो महिलाओं को जब पूछा गया कि क्या आपको सेक्स में इंटरेस्ट लगता है, सेक्स करने में इंटरेस्ट लगता है, वो अच्छा लगता है, बोले हाँ वो तो लगता ही है, अच्छा ऑर्गेजम तो अच्छा लगता ही है, फोरप्ले अच्छा लगता ही है, मगर हमको वो व्यक्ति अच्छा लगता है, वो आदमी अच्छा लगता है कि जिसके पास में हम सिक्योर रहे, सिक्योरिटी है, जो व्यक्ति के पास में एक रिस्पेक्ट है हमारा, जो व्यक्ति केयर करता है, जो अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है, मतलब एक इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल बॉन्डिंग है, इंटीमेसी है, प्यार करता है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसमें ही कभी कभी अच्छी बातचीत करना, फोरप्ले करना, उसमें ही कई महिलाओं को ऑर्गेजम हो जाता है। मतलब अंदर डालने की जरूरत भी नहीं है, उसके पहले ही उनकी चरम सीमा पहुँच जाती है और उनको अच्छा लगता है। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि आप उनके साथ में कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, इंटीमेसी मतलब क्लोजनेस, आत्मीयता, अपनापन, एक ऐसा प्यार वो करते हैं और फोरप्ले करते हैं, खेलते हैं और बाद में सेक्स करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जो पहला साल रहता है कि जिसमें बहुत मज़ा आती है, और एक साल हो गया तो अभी वही कॉन्वर्सेशन, मतलब वही औरत, वही पोजीशन, वही बेडरूम, अभी जो पुरुष है उसको एक्साइट नहीं करता, अभी उसका डोपामिन सिक्रीशन, सेरोटोनिन सिक्रीशन, ऑक्सीटोसिन अभी वो ज़्यादा बहता नहीं है, अभी उसको मज़ा नहीं आती है। तो अभी सेक्स यदि इंटरेस्टिंग रखना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने कॉन्वर्सेशन बदलने पड़ेंगे, बातचीत बदलनी पड़ेगी, न्यू पोजीशंस है, न्यू तरह से बातचीत करते हैं, अपने एक दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे के पास में इंटीमेसी और करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, तो फिर वो सेक्स लेट एज में भी बहुत ही एक्साइटिंग रखता है और उसमें भी फिर मज़ा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले वाला सेक्स आप करते हैं, बस बेड पर आ गए, थोड़ा सा फोरप्ले किया, इंटरकोर्स किया, एंड चलो इजैकुलेट किया, बाद में सो गए, अभी वही आपको एक्साइट नहीं कर रहा है, अभी सेम थिंग अभी आपको एक्साइट नहीं कर रही। तो अभी जैसे उम्र बढ़ जाती है, 40-45 साल की उम्र हो जाती है, तो अभी इस समय कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग तरह से करना होगा जो आपको एक्साइट कर रहा है। हो सकता है कि आपको बेडरूम बदलनी है, हो सकता है कि आपको बेडरूम के अंदर बेड बदलने के, हो सकता है कि बेडशीट बदलनी होगी, हो सकता है कि तरीके बदलने होंगे, जो बदलना है वो बदलो। एक मजाक के तौर पर मैं बोलता हूँ कि औरत नहीं बदल सकते हैं, वो तो सेम रहती है, मगर आप नए नए तरीके से सेक्स कर सकते हो, तो वो संभव है। न्यू कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना, न्यू बातचीत, नवी बातचीत क्रिएट करना, और फिर जैसे आप बाहर जा रहे, हॉलीडेज पे जा रहे, घूमने जा रहे, सेकंड हनीमून करने जा रहे, मूवीज़ को जा रहे, बगीचे में घूम रहे, सब ये कर सकते हैं, जिससे प्यार और बढ़ता है। क्योंकि अभी क्या होता है कि एक दो साल पहले हो गए कि अभी ब्रेन को लगता है एक्साइटमेंट, और अभी सेम चीज़ करोगे, सेम तरह से करोगे तो ब्रेन को एक्साइटमेंट मिलता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में खाना वही मसाला है, वही करने वाली है, तो घर का खाना मज़ा नहीं आता। फिर हम बोलते हैं हफ्ते में एक बार होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए, क्यों? क्योंकि फिर कुछ तो भी हमको चेंज ऑफ टेस्ट चाहिए, वैसे ही सेक्स का होता है। मगर अभी वो तो नहीं हम जा सकते हर हफ्ते में बाहर, तो फिर और जा ही सकते नहीं हफ्ते में, क्यों जा ही सकते नहीं बाहर, तो फिर सवाल ये आता है कि फिर हम नए सिरे से, नए तरीके से सेक्स कैसा कर सकें। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि स्त्री के हृदय में अंदर जाना, इंटीमेसी क्रिएट करना, प्यार करना, अच्छी बातचीत करना, वो बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि अरे एक बार फेल हो गए इसका मतलब क्या हो गया, एक बार फेल हो गए अभी उसको क्या लगेगा, अभी वो क्या सोचेगी, अभी मेरी इज्जत चली गई। एक बार फेल हो गए तो बस उतनी इज्जत आपकी है, आपके औरत के दिमाग में वो एक बार फेल हो गया तो गया काम से, इतना ही है कि और कुछ है, और ज़्यादा कुछ है?
तो एक बार या दो बार फेल होने से कुछ होता नहीं है। नॉर्मली ऐसा पाया गया है स्टडीज में कि आफ्टर 40 पांच में से एक व्यक्ति, मतलब पांच में से एक बार यदि आपका फेल हो जाता है, पांच में से एक बार या चार में से एक बार भी आपका फेल हो जाता है तो वो नॉर्मल है एज के हिसाब से। तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक बार फेल हो गए मतलब अभी ख़त्म हो गया, अभी बार बार फेल हो जाएंगे, अभी तो कुछ खरा नहीं है, ऐसा सोचना भी गलत है। और जब आप फेल हो जाते हो, जमता नहीं है, इरेक्शन आता नहीं है या जल्दी गिर जाता है, ऐसा कोई लेकर आता है तो मैं पहले उनको बोलता हूँ कि पहले हार्ट की चेकअप कर लो, हार्ट तपास कर लो, आपका फिजिशियन से एक बार चेकअप कर लो, ईसीजी निकाल लो और देख लो कि आप फिट है कि नहीं है। तो आपने ये देखना है कि आप फिट है, और आप फिट है तो फिर सेक्स में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। यदि सेक्स में प्रॉब्लम आता है तो आप शुगर चेक करते हो, हार्ट चेक करते हो, स्मोकिंग बंद कर दो, तुरंत बंद करना चाहिए स्मोकिंग, शराब बंद कर दो, क्योंकि शराब और स्मोकिंग से फ़र्क पड़ जाता है, वजन कम करना पड़ा आपको तो बिल्कुल करना है, क्योंकि वजन ज़्यादा है तभी सेक्स में प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सब बातें जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी, बाजू करनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ दवाइयाँ जो आप खाते रहते हैं वो दवाइयों से भी सेक्स आता नहीं है, लिंग में कठोरता नहीं आती है, या आ गई तो जल्दी निकल जाती है। तो ये भी हमको देखना है कि भाई कौन सी दवाइयाँ हैं आप खा रहे हैं जो बंद करना आपको चाहिए अच्छा सेक्स करने के लिए। फिर आपने भी देखना है कि भाई लेडी के बदन के ऊपर कितने स्पॉट्स है, कि जो स्पॉट्स आपको वो बोलती है या आप ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि वो स्पॉट के ऊपर से आप हाथ घुमाते हैं, उसको एक्साइट करते हैं, तो उसको मसाज करते हैं, सेंसिटिव करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो वो बहुत ही एक्साइट हो जाएगी। तो वो स्पॉट जो है काफ़ी अलग अलग स्पॉट्स हो सकते हैं, कि जैसे एक तो जो दो ऑर्गन्स है, एक ब्रेस्ट है और एक क्लिटोरिस और वजाइना है। इसके अलावा हाथ पे कहाँ आपने स्टिम्युलेट किया तो उनको अच्छा लगता है, कौन से स्पॉट्स है, लेग्स के ऊपर है, पैरों के ऊपर स्पॉट्स कौन से है, गाल, नाक, कान, गला, जो भी है कौन से ऐसे स्पॉट्स है कि वो स्पॉट्स के ऊपर यदि आप एक्साइटमेंट करते, मसाज करते, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगा। किसी का कान भी हो सकता है कि कान उनका बहुत ही ऐसा स्पॉट है, वैसा हमको लगता है कि कोई काम का नहीं, मगर कुछ लोगों को कान जो है वो बहुत एक्साइटिंग लगता है, उसके मतलब उसको किसिंग किया, चुभाया तो उनको दर्द दिया कान को, तो उनको बहुत एक्साइटमेंट आता है। तो ऐसे भी लोग हैं कि आप जो भी कारण है वो कारण देखो, देखो कि क्या संभव है और क्या हम कर सकते हैं, नहीं कारण डालना चाहिए कारण वाला है ना। तो जब भी कभी आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको देखना है कि भाई इसका कारण क्या है और वो कारण निकाल के काम करना चाहिए तो सेक्स अच्छा हो सकता है। कभी भी पॉन से कंपेयर मत करो, तुलना नहीं करना है पॉन से, पॉन से तुलना करके आपको दुख ही दुख आएगा। जो भी मैंने बताया वो यदि आप करते हैं, वजन कम करना, स्मोकिंग बंद, अल्कोहल बंद, ये चर्चा जो है, भाषा जो है सेक्स के बारे में कि जमता नहीं, होता नहीं, तो ये बंद, और बहुत ज़्यादा फोर प्ले यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और एक अच्छे सेक्स लाइफ आप जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।